देवियां प्रकट हुई मनी के सामने। उन्होंने कहा, वन दैत्यों ने तुम्हारे लिए चावल खाकर बदले में ये कटोरे दिए हैं। हर बार जब तुम इन कटोरों को गिराओगे तो हम प्रकट हो जाएंगी और तुम्हें स्वादिष्ट व्यंजन कराएंगी। फिर क्या था, मनी ने छक कर भोजन किया। वाह, मैं तो राजाओं जैसा भोजन कर रहा हूँ। वह खुशी खुशी अब गांव की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने खुशखबरी अपनी पत्नी को सुनाई। पत्नी ने कहा, ईश्वर हमसे प्रसन्न है, गांव के सभी लोगों को न्योता देकर बुलाइए। मनी ने घर 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 जाकर लोगों को न्योता दिया। सभी हंस रहे थे। ये गरीब भिखारी पागल तो नहीं हो गया। तय दिन पर सब गांव वाले मनी के घर पहुंचे। मनी और पत्नी ने उन चार कटोरों को रखकर पूजा की। हे देवियों, बाहर आओ, लोगों को तृप्त करो। चारों देवियों ने लोगों को भरपूर व्यंजन खिलाया। लोगों ने इतना खाया कि वे उठ ही नहीं पा रहे थे। सब ने मनी को बहुत धन्यवाद दिया। क्या खबर, गांव के धनी
पता क्या होता है? हाँ, he was a rich man, धनिक लाला रामल के पास पहुंची और वह चिढ़ गया। जादुई कटोरे, ये तो मेरे पास होनी चाहिए। फिर क्या था, वो पालकी में बैठ मनी के घर आधम का। मनी, ओ मनी, ये लाला रामल है, उसे खाने के लिए अंदर तो बुलाओ, मनी की पत्नी ने कहा। स्वादिष्ट भोजन कर लाला और भी लालची हो गया। उसने मनी से पूछा और बोला, पूरी कहानी तो बताओ मनी। घर पहुंच कर अच्छे अच्छे पकवान बनवा कर पालकी में बैठ बर्गर के पास पहुंचा। लोगों को दूर विश्राम करने के लिए कहा और स्वयं मखमली चादर पर आंखें बंद कर कर सोने का दिखावा करने लगा। ना जाने कब नींद लग गई। जब नींद टूटी तो पकवान गायब और चार खाली कटोरे। कटोरे देखकर खुश हो और जल्दी जल्दी घर लौटा। जल्दी जल्दी सब लोगों को अपनी ताकत दिखाते हुए बुलाकर चारों कटोरों को हाथ में उठाकर बोला, देवियों बाहर निकलो, सबको भोजन करवाओ। गिरते ही चारों, इस बार देवियां नहीं थी, दानव थे। उनके हाथ में उस्तरे थे, वे चट्टे सारे लोगों के बाल काट डाले। सारे गांव वासी रामलाला से बहुत गुस्सा थे। लाला की सारी लालच और ताकत धरी की धरी रह गई। तो दोस्तों, आप लोग तो समझ ही गए होंगे, यह कहानी हमें लालच और अपनी ताकत दोनों को नहीं दिखाने की शिक्षा देती है ना?